हम गांव जमाल में दादा लक्ष्मी फिल्म की शूटिंग के लिए आए और इस गांव का सिलेक्शन बहुत काफ़ी घूमने के बाद, पूरा हरियाणा घूमने के बाद ये गांव हमें बिकॉज ऑफ जगत परदेशी कि आप हमारे गांव में आइए और देखिए आपको ही जो आज़ादी से पहले के कुछ लुक एंड फील जो मिलेगी आपको आए, तो हम यहाँ आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। गाँव का कोऑपरेशन है और ये घर देख कर हमारा मन और कहीं लगा नहीं, और ये एक हिस्टोरिकल फिल्म बनने जा रही है। मुझे लगता है कुछ समय के बाद ये घर भी नहीं होंगे, ये पक्के हो जाएंगे, आप उनको फिल्म नहीं देख पाओगे। और ये जो फिल्म बन रही है ये एक उस आदमी की फिल्म है, उसका बायोग्राफी है, जिसको आपने बहुत कुछ सुना है उसके बारे में, उसकी रागनियाँ सुनी है, पर वो कैसा था, कैसे बना, क्यों बना, वो सारा इस फिल्म के माध्यम से आज की जनरेशन देख पाएगी, जान पाएगी। अदरवाइज कई लोगों को पता नहीं कि दादा लक्ष्मी कितनी उम्र में गुजरे, 45 साल की उम्र में वो दुनिया से अलविदा कर गए, पर जो गा गए, जो सुना गए, वो आज भी अमर है, और वो इस फिल्म के माध्यम से आप देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanawa.com। आज मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव जमाल में और आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि पिछले 3 दिनों से यहाँ हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद के ऊपर बायोग्राफी जो है वो बनाई जा रही है, और मेरे साथ यशपाल शर्मा हैं इस और मेघना मलिक हैं, और ये कहूँगा कि इस मूवीज़ को लेकर के खास करके गांव के लोगों में काफ़ी उत्साह है वो नज़र आ रहा है। पिछले 3 दिनों से ये जो शूटिंग है इस गांव में चल रही हैं, और क्योंकि ये कह सकते हैं कि संजय दत्त की बायोग्राफी के बाद ये कहूँगा कि हरियाणा में जो क्रेज है सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद का, उसको लेकर के यशपाल शर्मा हैं वो मूवी बना रहे हैं। यशपाल शर्मा को आप बहुत अच्छे भली भांति से आप जानते हैं क्योंकि काफ़ी फिल्में इन्होंने की हैं, चाहे गंगा जल की मैं बात करूँ, छोटा सा एक उदाहरण गंगा जल का दे सकता हूँ, और मेरे साथ इस समय मौजूद है यशपाल जी। ग्रामीण अंचल में ये कहूँगा कि सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद के बारे में आपने काफ़ी जो इसको लेकर के काफ़ी सर्चिंग की, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, ये कितने दिनों में मूवी ये कम्प्लीट हो जाएगी, क्या उद्देश्य है इसका? देखो जी, 1.5 महीने की शूटिंग है जी, तकरीबन 50 दिन की भी हो सकती है और 2 महीने की भी हो सकती है, जिस तरीके से स्पीड चल रही है जी। लेकिन हमने कसम खा रखी है क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्वांटिटी तो बहुत बढ़ा ली, तो एक क्वालिटी फिल्म बनानी है, नुकसान होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसर भी रोएगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मुगले आजम तो नहीं बनावाएंगे, लेकिन बनावाएंगे कोई अच्छी फिल्म बनावाएंगे हरियाणा में, ताकि पता लगे ऐसी फिल्म टेक्निकली भी और कंटेंट वाइज भी ऐसी स्ट्रॉन्ग फिल्म अभी तक नहीं आई, ऐसे कोशिश चल रही है। बाकी तो देखो, बाकी तो हमारे सारे एक्टर हैं, हमारे मेघना मलिक जैसी एक्टर हैं, राजेंद्र गुप्ता जैसे एक्टर हैं, और बहुत सारे अच्छे हरियाणा के जो अंदर एक्टर हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा काम ही होगा जी। तो हरियाणा जो फिल्मों के लिए जाना जाता है, काफ़ी बड़ी फिल्में जो है हरियाणा में शूटिंग होती है, आपने भी किया, आमिर खान ने भी की थी जो 2 बेटियों पर थी, महावीर फोगाट के जो उस पर थी फिल्म, तो ये कहेंगे कि जो सूर्य कवि जो पंडित लक्ष्मी चंद है उनका गांव सोनीपत के उसमें है, लेकिन जाटी गांव में, लेकिन सिरसा में ये हो रही है जमाल गांव में, तो इसका क्या माना जाए कि जमाल में क्यों? देखिए, जाटी गांव और बहुत सारे गांव हरियाणा के मॉडर्न हो चुके हैं और ये 100 साल पहले की कहानी है जी। जमाल गांव में जगत परदेशी कहाँ गया, वो अपने इन लोगों ने बहुत इसकी वजह से एक एल्बम कराया था इन्होंने तर्ज पुरानी करके, सुभाष फौजी और जोगिंदर कुंडूर ये सब लोग थे, तो उन सरोज जांगड़ा इन्होंने बताया, तो मैंने देखा एल्बम के अंदर, मुझे लगे बहुत बढ़िया घर हैं, ये अच्छा सा लगा, तो मैंने यहाँ आके देखा तो पूरे हरियाणा में, राजस्थान में तो बहुत जगह ऐसे, लेकिन हरियाणा के अंदर ऐसी कच्चे 100 साल पहले की झलक यहीं मिली मुझे और कहीं नहीं मिली। तो जमाल गांव, मेघना जी ये आपके लिए, ना रुक जाओ, इसमें ये केकड़ा हाथा का केकड़ा गोबर के हाथ है, तो अपने अपने जाटी गांव में ये सब गोबर। अच्छा, ये लक्ष्मी चंद की जो बच्चा लक्ष्मी चंद है हमारा, जो उसकी मदर का रोल कर रही है मेघना मलिक, जो कि मेरी फेवरेट एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, और जब भी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो सबसे पहले मतलब माँ के रोल में और कोई भी नहीं था इनके अलावा, तो मुझे लगता है कि दो शब्द ये अपने भी एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा लग रहा है। एक सवाल और मैं करूँगा आपसे, क्योंकि पंडित लक्ष्मी चंद की मैं बात करूँ तो उसका रोल आप निभा रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ भी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि उनके करेक्टर के बारे में उनकी कोई जो लाइन्स हो जो आप इस फिल्म में भी यूज करना चाह रहे हैं। उनकी लाइनें तो सारी आप फिल्म में देखोगे, और इसमें मेरा मेन रोल नहीं है, लक्ष्मी चंद का रोल जो एक बच्चा कर रहा है योगेश वत्स, और एक बच्चा कर रहा है हितेश, ये 2 लोग कर रहे हैं,
मैं तो छोटा सा शुरू में करूँगा, छोटा सा लास्ट में करूँगा, बाकी इन लोगों का है मेन रोल, तो मैं तो थोड़ा सा आऊँगा बीच में, शुरू में और आखिर में, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आऊँगा फिर मेन रोल में, फिर देखेंगे क्या होगा। पर इतना ज़रूर है कि ये तो भाई वो है क्या नाम भविष्य वक्ता है भाई लक्ष्मीचंद, और उसका पहला ही गाना ये है कि समदर्शी से हुए ब्रह्मज्ञानी जिसने वेद विचारा, और क्या कर लाइन देख भूल गया मैं, ध्यान दिमागी सीन सीन में चल रहा है। का कोई डायलॉग सुना रहे? कुत्ता का मौत मारेंगे तुमको तो बस ठीक है। जी मेघना जी, आप बताइए कैसा लग रहा है हरियाणा, एक ये कहेंगे कि सामाजिक भाईचारे के लिए जाना जाता है, हरियाणा में भी फिल्में जो है शूटिंग होना शुरू हो गई है किसी समय में, और बड़ी फिल्में हो रही हैं, और ये कहेंगे देश दुनिया में हरियाणा में फिल्में हैं, उनका जो क्रेज है एक बार की फिर से ऊपर गया है। नहीं वो देखिए बाहर से आकर बहुत लोगों ने यू नो सब्जेक्ट मैटर अपना यहाँ से ढूंढा और उस पर इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, पर यशपाल जी जो एक 3 साल से वो लगे हुए हैं और अपनी ही धरती से जो एक सपूत और इतने बड़े कलाकार जो हमारे बीच थे उसके ऊपर आज तक किसी ने नहीं सोचा था। जो यशपाल 3 साल से लगे हुए हैं, लिख भी रहे हैं, लोगों को इकट्ठा किया है, उनके गानों को रिकॉर्ड किया है, जब पहली बार वो मुझे कहानी सुनाने आए थे फिल्म की, और जो जोश उनमें था वो जोश मुझे आज यहाँ तक ले आया है, और आज हम जमाल गाँव के बीचों बीच हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। एक खुला आसमान, गाँव की खुशबू, गोबर मिट्टी से सने हुए हम लोग, तो उसका अलग ही स्वाद है। एंड मैं यही कहूँगी बहुत लोग बड़े अपनी दुआएं लेकर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, और बाकी दुआएं हमें बाहर वालों की चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा जो सपना था मैंने आज से 6 साल पहले देखा था कि कभी बॉलीवुड मेरे गांव में भी आएगा, तो हॉलीवुड के बाद अब बॉलीवुड में हम पहुँच चुके हैं, तो मेरे लिए ही नहीं मेरे पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा गर्व है। और जो पूरा गांव जितना सहयोग ये गांव करता है आर्टिस्टों को, जितना मान सम्मान ये देते हैं, तो ये भी गर्व की बात है। और इतनी बड़ी हस्ती जिस सूर्य कवि जैसी उपाधि जिनके पास है, उनकी जीवनी अगर मेरे गांव में शूट हो रही है और इसमें एक मेरा भी छोटा सा हिस्सा है, तो मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूँ। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।